साथियों देख सकते हैं आप लोग, इस कॉलम की चौड़ाई जो है वो 12 इंच है यानी 1 फीट, और इसकी मोटाई देख सकते हैं आप लोग 9 इंच। और ये आरसीसी कॉलम जो है वो 9 इंच बाई 12 इंच का साइज का है, और इसकी हाइट देख सकते हैं आप लोग 10 फीट है। तो साथियों इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ग्रोटिंग करके स्टील वायर को निकाला था, उसके साथ स्टील वायर को वेल्ड करके इस कॉलम को इंस्टॉल किया है। देख सकते हैं आप लोग बहुत ही मजबूत और स्थिर एक जगह टिका रहेगा, हवा के प्रेशर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम लोगों ने चारों तरफ को कॉलम खड़े करवा दिए हैं एक लेवल में। तो देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ को आरसीसी कॉलम लगाए गए हैं, हवा के प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हिलेगी नहीं हमारी छत जो हम रूफ़ लगा रहे हैं अपने घर के ऊपर। और देख सकते हैं सामने एक लोहे का कॉलम लगाया गया है, इसका क्या कारण है लगाने का यहाँ पे, ये भी आपके साथ हम बात करेंगे। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टाटा फैब्रिकेटर अमन। तो साथियों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाएंगे जो हम अपने घर के ऊपर रूफ़ लगवाते हैं तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि बाद में हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और हमारा जो काम है वो साफ़ सुथरा और मजबूत हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ घरों के ऊपर लोहे के कॉलम्स के ऊपर रूफ़ इंस्टॉल की होती है, जब हवा का तेज प्रेशर आता है तो गाइस हवा के प्रेशर से जो हमारी रूफ़ है वो मूवमेंट करती है, हिलती है और एक जगह स्थिर नहीं रहती है। अगर हम लोगों ने ये आरसीसी कॉलम लगाए हों तो हमारी छत बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, क्योंकि इनका साइज होता है 9 इंच बाई 12 इंच यानी 1 फीट बाई 9 इंच का। तो ये हम लोगों ने लेंटर से स्टील बार निकाल के ग्रोटिंग करके उनको बढ़िया से वेल्ड करके पूरा अच्छी तरीके से इसको इंस्टॉल किया होता है। प्रोसेस सेम आरसीसी कॉलम और लोहे के कॉलम का सेम रहता है, बट जो साइज होता है वो आरसीसी कॉलम का ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग लोहे के कॉलम्स के। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आरसीसी कॉलम की हाइट जो है वो 10 फीट रखी गई है और टॉप पे जो दासा लगाया गया है वो 4 इंच बाई 4 इंच की स्क्वेयर पाइप का लगाया गया है ताकि इस लेंटर के ऊपर ज़्यादा वजन ना पड़े। इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने लोहे का दासा यूज़ किया है। तो देख सकते हैं आप लोग ये दासा जो लगाया गया है वो गैल्वेनाइज्ड पाइप स्क्वेयर पाइप 4 इंच बाई 4 इंच की स्क्वेयर पाइप का लगाया गया है, और यहाँ पे जितना भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है सारा टाटा कंपनी का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्क जो है वो बिल्कुल स्टार्ट है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हम लोगों ने अपने जो ट्रेसें थी वो इंस्टॉल कर दी हैं, साथ में यहाँ पे जो पर्लिन बनाई गई है लगाई गई है 12 फीट की प्रोफाइल सीट के लिए। तो पर्लिन टू पर्लिन जो डिस्टेंस रखा गया है तो 86 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा गया है पर्लिन टू पर्लिन, और 12 फीट की सीट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 5 पर्लिन इंस्टॉल की हैं। तो देख सकते हैं आप लोग पर्लिन का जो साइज़ है वो 40 mm × 40 mm है यानी 1.5 इंच बाई 1.5 इंच है, और जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेस बनाई है जो निचला भाग है कैंची का वो हमने रेक्टेंगल पाइप 1.5 इंच बाई 3 इंच की यूज़ की है। देख सकते हैं आप लोग जो वर्टिकल में आपको मेंबर दिखाई दे रहे हैं ये हम लोगों ने स्क्वेयर पाइप 40 mm बाई 40 mm की यानी 1.5 इंच बाई 1.5 इंच की स्क्वेयर पाइप का यूज़ किया है। जो राफ्टर जो आप टेपर में देख रहे हैं जहाँ पे हमारे पर्लिन लगे हुए हैं इसको राफ्टर बोला जाता है, नीचे वाले भाग को टाई बोला जाता है, जो वर्टिकल मेंबर लगाए गए हैं इनको मेंबर बोला जाता है। तो जो राफ्टर लगाया गया है ये हमने 40-5 के एंगल का लगाया है, देख सकते हैं आप लोग, और ये सारा वर्क जो है वो हमारा टाटा स्ट्रक्चरा से लगाया जा रहा है गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग थिकनेस 2 mm की है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग
थोड़ा सा हम लोग आपको समझाएंगे यहाँ पे हम लोगों ने काम के कुछ मॉडिफाई किया हुआ है, क्योंकि ये एरिया जो है वो बिल्कुल स्क्वायर में नहीं है। इस साइड की जो चौड़ाई है वो 48 फीट है और फ्रंट साइड की जो है वो 34 फीट है। तो इसको हम लोगों ने सीधा करना था, बिल्कुल स्क्वायर बनाना था, तो हमारी छत देखने में गंदी ना लगे। इसके लिए हमने कुछ चेंजेस किए हैं, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं गाइस। जैसे हम आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो लगाया गया है ये बिल्कुल मैंने स्क्वायर कर दिया है। आगे जाकर दिखाता हूं आप लोगों को। और ये एरिया देख सकते हैं अभी तक खाली है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग से बनाया जाएगा। यहाँ पे हम जो रूफ स्ट्रक्चर लगाएंगे, इसका जो बदगुनियाँ हैं वो हम बदगुनियाँ बोलते हैं जो टेपर आती है उसको, जो उसको हम बैक साइड में ही कवर कर रहे हैं। उस अगर हम इसको एक साथ करते बनाते तो फ्रंट फेस जो है हमारा वो बिगड़ जाना था, देखने में अच्छा नहीं लगना था, बदगुना हो जाना था, देखने में गंदा लगना था। इसके लिए हम लोगों ने तीन साइड स्क्वायर कर दी हैं। ये वाली साइड भी बिल्कुल स्क्वायर कर ली है, फ्रंट साइड भी बिल्कुल स्क्वायर कर दी है और ये वाली साइड भी स्क्वायर कर दी है। जो बैक साइड है हमारी, इसमें हमने जो बदगुन है वो निकाल दी है। तो देख सकते हैं आप लोग, आप लोग भी गाइस, आप लोगों को एक मिनट समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो दोस्तों मैं अभी आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा ड्राइंग बना के, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे था। ये हमारा फ्रंट साइड बिल्कुल सही है, ये देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर है गाइस, ये 48 फीट है और ये 32 फीट है, तो देख सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो भी 48 फीट है। तो गाइस इसको हमने बिल्कुल सीधा करना था। अगर हम बड़ी ट्रेस बनाते तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ का आगे का जो हमारा फेस है वो ख़राब हो जाना था, एक लेवल में हमारी ट्रेसें नहीं आनी थी। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को बिल्कुल सीधा कर दिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने इस चीज़ को गुणिये में ले लिया है और ये हमारी जो तीन ट्रसें बनाई गई हैं देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से हमारी पर्लिन और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी पर्लिन आ गई। फ्रंट साइड पे यहाँ का जो पोर्च बनेगा वो सेंटर में नहीं है, साइड में है, तो उसको भी हम लोग इसके साथ ही ज्वाइंट करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग ऐसे आ रहा है। और ये वाला पोर्शन जो बच रहा है हमारा, यहाँ पे भी हमारा डिजाइन आएगा गाइस, एक डिजाइन यहाँ पे आएगा और एक डिजाइन हमारा यहाँ पे आएगा। तो देख सकते हैं इस पोर्शन को हम लोग अलग से यहाँ पे एक ट्रेस बनाएंगे, यहीं से हम लोग इसको कवर कर देंगे। ये जो पर्लिन आ रही है हमारी, ये फिर सीधी हमारी यहाँ तक आ जाएगी और ये वाली पर्लिन हमारी यहाँ को चली जाएगी। और ये जो हमारा फेस बचेगा यहाँ पे हम सिंपल शीट लगा देंगे, शेड डाल के छोटा सा अटैच, इस चीज़ को दोनों को कवर हो गया हमारा। और ये हमारी जो रूफ है वो बिल्कुल गुनिये में भी बन गई और पीछे का जो भाग है वो कर्ब जो है वो हम लोगों ने बैक साइड में निकाल दी, बैक साइड फ्रंट साइड एलिवेशन। तो देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से हमारा यहाँ पे काम किया गया है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया है अभी। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको ड्राइंग में दिखा दिया, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं जो सिचुएशन है यहाँ की कैसा था एरिया जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये देख सकते हैं जो आपको मैंने बाग दिखाया था बैक साइड का जो कर्ब में था वो ये वाला एरिया है। इस एरिए को हम अब बाद में कर्ब को सीधा करेंगे, फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस रहेगा आगे वाली रूफ को अब डिज़ाइनिंग करने का। एक फ्रंट साइड में हमारा पोर्च निकाला जाएगा, एक
साइड में निकाला जाएगा यहाँ पे सेंटर में, और एक उस साइड में। जो डिजाइन निकाला जाता है वो चौड़ाई के बिल्कुल सेंटर में लिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ये जो डिजाइन निकालना है, ये जो हमारा रूफ का टॉप है इसका सेंटर लिया है बिल्कुल सामने। दोनों साइड को देख सकते हैं आप लोग, हमने हाफ ट्रेस लगा दी है। यहाँ पे हमारा वी शेप में डिजाइन बनेगा। तो डिजाइन जो बनाया जाएगा वो आपको हम दिखाएंगे साथ में ही कैसे कैसे बनाया जाएगा। और अगर आपका कोई सवाल है फैब्रिकेशन वर्क से संबंधित, स्ट्रक्चर वर्क से संबंधित, तो आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके। मैं हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर से हूं दोस्तों। अगर आपको टाटा ड्यूरेशन कंपनी की सीट लेनी है या जानकारी चाहिए उसके बारे में, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7018178740। आओ दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट के बारे में, तो आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, जो स्लॉट रखी गई है वो किस हिसाब से रखी जाती है इसके बारे में आपके साथ मैं बात करता हूँ, ताकि हमारी जो स्लोप है वो देखने में भी अच्छी लगे प्रोफाइल सीट, और पानी की निकासी जो है वो भी आसान से हो जाए। इसके लिए हमने 38 फीट हमारी इस की जो ट्रस है ये बनाई गई है। तो इसके लिए देख सकते हैं आप लोग, मान लीजिए हमारी ट्रेस जो है, अभी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये चीज होती है, इसको टाई बोला जाता है। ये सेंटर मेंबर आ गया, इस चीज को राफ्टर बोलते हैं। और ये भी राफ्टर आ गया, और ये मेंबर आ गए वर्टिकल मेंबर, और ये क्रॉस मेंबर आ गए। ये देख सकते हैं ये हमारी जो ट्रेस है बहुत सारी इस प्रकार से बनाई जाती है। ये सेंटर की जो हाइट रखी जाती है, ये रखी जाती है हमारी इसके ऊपर, जो हमारी ये लेंथ होती है इसके ऊपर, इसकी लेंथ जो मान लीजिए हमारी 40 फीट है, तो 40 फीट का सेंटर जो हाइट रखी जाएगी वो चौड़ाई का पांचवा हिस्सा रखी जाएगी, फिफ्थ, ठीक है, 8×5=40, 8 फीट रखी जाएगी इसकी हाइट। मान लीजिए आपकी चौड़ाई 40 फीट है और हम सेंटर से हाइट रखेंगे, तो उसकी हाइट जो रखी जाएगी वो 8 फीट रखी जाएगी, यानी चौड़ाई का 5वां हिस्सा, चौड़ाई का 5वां हिस्सा हाइट रखी जाती है, जिससे ये होगा कि हमारी जो सलांट है वो बिल्कुल सही आ जाएगी, और जो मॉइस्चर होता है वो आपकी टो एंड पे गिरेगा, या ना कि आपके सेंटर पॉइंट की पलिन के ऊपर गिरेगा। तो समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों, तो जैसा कि आपको मैंने मैनुअली भी समझा दिया, प्रैक्टिकली भी समझा दिया, और दिखा के भी समझा दिया, तो देख सकते हैं आप लोग ये वर्क जो है हमारा नादौन में लगा हुआ है, ग्लोडा हाउस में। तो देख सकते हैं आप लोग, आपको थोड़ा सा लुक मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ, यहाँ का एरिया जो है हमारा, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही शानदार। तो साथियों देख सकते हैं आप लोग, ये व्यू जो है वो नीचे से है इस बिल्डिंग का, और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर वर्क का काम चला हुआ है वो आप लोग सामने देख सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो छज्जे निकाले गए हैं वो हम लोगों ने वॉल से करीबन 2-2 फीट बाहर निकाले हुए हैं, ताकि
जो बारिश का पानी है वो लेंटर के ऊपर ना गिरे, इसके लिए हमने इनको बढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि ये फाइनल स्टोरी है ऊपर की टॉप की। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये व्यू है बहुत ही शानदार ग्लोडा हाउस का, और ये इनका छोटा सा पार्क, और यह देख सकते हैं एक सुंदर घर, और एक सुंदर घर के ऊपर घर की सुरक्षा के लिए यहाँ पे हम टाटा ड्यूराशाइन कंपनी की शीट इंस्टॉल करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्क का अभी काम कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग ये गेट है, और यहाँ पे छोटा सा बगीचा आंटी जी का, और यहाँ पे शानदार फूल लगे हुए हैं देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो में ज़रूर बताएं, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कहें कहाँ से आप लोग हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताएं गाइस। तो फीडबैक देना ना भूलें, अपने सहयोगियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। किस राज्य से हो आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हो ये ज़रूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। चलो ले चलता हूँ फटाफट आपको मैं ऊपर की तरफ दिखाता हूँ, यहाँ से घर कैसे जाएंगे हम ऊपर को। ये सीढ़ियाँ हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भी हम शेड डालने वाले हैं, इस एरिया को भी कवर करेंगे फिर से पौड़ियाँ। और मेन चीज़ आप लोगों ने देखी होगी यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा दी हुई है, बहुत ही शानदार। और ये देख सकते हैं आप लोग ये ऊपर का एरिया, और ये ऑर्नर है यहाँ के।